हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट को बाइनांस एक्सचेंज से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट को अपने बाइनांस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप बाइनांस एक्सचेंज में अपने ट्रस्ट वॉलेट को डिसकनेक्ट कर दें, तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हम किस तरह से बाइनांस एक्सचेंज में ट्रस्ट वॉलेट को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनांस एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वॉलेट्स में जाना है। जैसे ही वॉलेट्स में जाएंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि स्पॉट से नीचे D5 वॉलेट कनेक्ट है, जिसका बैलेंस मेरे ओवरव्यू में शो हो रहा है। तो इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने ऊपर की तरफ D5 ऑप्शन में जाना है, जहाँ से D5 को ओपन करना है आपने। जैसे ही आप D5 को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है मेरी बाइनांस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स हैं, आपने इन्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर सेटिंग का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने यहाँ से सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर रीसेट वॉलेट का एक ऑप्शन दिया गया है। आपने रीसेट करने से पहले आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो भी फ्रेज़ वगैरह हैं उन्हें सबसे पहले आपने किसी जगह पर लिख लेना है, उन्हें महफूज कर लेना है। आपने इसके बाद यहाँ से रीसेट वॉलेट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने नीचे रीसेट माय वॉलेट का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और कंफर्मेशन के लिए ये आपको कह रहा है कि आपने अगर वॉलेट रीसेट करना है तो यहाँ पर आपने रीसेट वॉलेट पर दोबारा क्लिक करना है। तो आपने जस्ट यहाँ से रीसेट वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से रीसेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट होगा वो आपकी बाइनांस एक्सचेंज से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉलेट है वो डिसकनेक्ट हो गया है। यहाँ पर न्यू वॉलेट का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप यहाँ से न्यू वॉलेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से दोबारा ओवरव्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर एक मरतबा मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर D5 का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो मेरी बाइनांस एक्सचेंज के साथ अब कनेक्ट नहीं है। तो आप इस तरह से बाइनांस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट को बहुत आसान तरीके से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।